हेलो छात्रों और दोस्तों, आज हम क्लास 10 मैथ का एक इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं। तो आइए सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। यहाँ पर त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे स्मॉल आर बराबर 6 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो त्रिज्या दिया था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ पर हमने लिखा स्मॉल आर बराबर 6 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें कोण दिया गया है 60 अंश, तो कोण को थीटा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा बराबर 60 अंश दिया है, यहाँ पर 60 डिग्री। और यहाँ पर पूछ रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, जो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो यहाँ पर हम लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद करना है, जो होता है थीटा बटे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 और गुणे में होता है पाई आर स्क्वायर, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। अब यहाँ पर आपको केवल इसमें मान रखना है बस, और उसको सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसमें मान रखेंगे थीटा, थीटा का मान कितना दिया है 60 अंश दिया है, तो यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे 60 अंश बटे में कितना दिया है 360, तो 360 लिखेंगे। गुणे में पाई, तो पाई का मान आपको रखना है 22/7, पाई का मान आपको याद रखना है, ये 22/7 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 22/7। गुड़े, यहाँ पर गुड़े का निशान होता है इसके बीच में, तो गुड़े का निशान लगाएंगे, आर स्क्वायर है, तो जो आर का मान है ना उसको दो बार लिखना होगा, तो आर का मान कितना है 6, यहाँ पर हम लिखेंगे 6 × 6, 60/360 गुड़े 22/7 गुड़े 6 × 6। तो सबसे अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है, और 6 से नहीं ये कट जाएगा, 6 × 6 और 6 × 36, ठीक है, और इस वाले 6 से इसमें का एक 6 हम कट कर सकते हैं, तो ये एक 6 कट हो गया, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, ठीक है, यहाँ पर क्या बचा 22 और एक 6 बचा, तो 22 × 6 हम लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर बचा 22 × 6, यहाँ पर ऊपर 1 बचा, तो 1 से कोई मतलब नहीं, 22 × 6 बचा, तो यहाँ पर लिखा, और नीचे केवल कितना बचा है, ये तो कट गया, नीचे 7 बचा है, तो नीचे हम 7 लिख लेंगे, ठीक है। 22 का 6 से गुणा करेंगे, 6 का 2 से गुणा करेंगे, तो 6 दुना 12, 12 का 2 हासिल हुआ 1, फिर 6 का 2 से गुणा करेंगे, तो 6 दुना 12 और 1 हासिल मिलाकर 13, 132 और बटे में 7, 132/7, और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।